हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू। आज हम बनाएंगे चौलाई के लड्डू। कैसे बनते हैं चौलाई के लड्डू मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 200 ग्राम चौलाई ली है और 150 ग्राम मैंने गुड़ जो है गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें मैं 150 ग्राम गुड़ में, क्योंकि मेरी 200 ग्राम चौलाई है और 150 ग्राम गुड़ में मैं ये एक कप से, मतलब थोड़ा सा कम, एक कप से थोड़ा सा कम पानी डालूंगी और मैं इस गुड़ को अब पिघाल लूंगी। इस पे आँच पे रख के इसके टुकड़ों को तोड़कर और इसको मैं अब पिघाल के इसकी वो बनाऊंगी जो लड्डू जिससे तैयार होते हैं। देखिए आगे कैसे बनते हैं लड्डू। देखिए फ्रेंड्स, चाशनी जो है बनकर तैयार हो गई है। अब इसकी क्या पहचान है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो चाशनी है, इसकी क्या पहचान होती है कि ये तैयार हुई है या नहीं हुई है। जैसे कि मैंने इसमें 150 ग्राम गुड़ चढ़ाया था क्योंकि मुझे 200 ग्राम चुलाई का बनाना है। देखिए, जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं वो इस चुलाई के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसके लड्डू बनते हैं, नवरात्रों में भी बनाते हैं और शिवरात्रि वगैरह पर यूपी में खूब इसके लड्डू खाए जाते हैं। वैसे तो हर जगह आते हैं पर वो मशीन के ज़्यादा होते हैं, घर के बनाए हुए कम होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो है पहचान चाशनी की, मैं आपको बता देती हूँ जो चाशनी की पहचान है। देखिए इस तरह से हम इसमें ये डाल के उंगली, जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो हम ये देख लें कि हमारा एक तार बन रहा है या नहीं बन रहा। तो जब हमारा एक तार बन जाता है तो ये चाशनी जो है बनकर तैयार हो जाती है। देखिए अब इसके लड्डू किस तरह से बनाएंगे, क्या ट्रिक है जिससे ये लड्डू हमारे अच्छे से बन जाएं और जुड़कर ये खुले नहीं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जब हम ये चौलाई के लड्डू बनाते हैं, अगर हम ध्यान से इसकी चाशनी और इसका बनाने का तरीका हमें ना पता हो अच्छे से, तो वो लड्डू हमारे बुझते नहीं हैं, ऐसे खिले खिले से रह जाते हैं। तो कैसे बोचेंगे इन लड्डू को तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए कैसे बनेंगे ये लड्डू। देखिए फ्रेंड, इसकी क्या पहचान है। अगर इसके हम ऐसी, ये जो चाशनी हम डालते ही अगर इसके लड्डू बना देंगे तो अब ये बिल्कुल नहीं बुझेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है। देखिए इस तरह से हम इसको उछालेंगे अच्छे से। ये देखिए, चाशनी डालने के बाद हमें इसे कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही उछालना है। ये देखिए, ये देखिए अब इसके कैसे लड्डू बन जाएंगे। 5 मिनट बाद तक भी आप इसके लड्डू बना सकते हैं, नहीं तो अगर हम इसे नहीं उछालेंगे तो ये जो लड्डू हैं ये हमारे बनेंगे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसको 5 मिनट तक ऐसे उछाल दिया तो आप आराम से इसके लड्डू बना सकते हैं। अगर आप उसी टाइम जल्दी करेंगे, ये जो इसकी पात बनाई है हमने, जो चाशनी बनाई है, तो ये बिल्कुल नहीं बुझेंगे। देखिए आप थोड़ा सा पानी का हाथ लगाइए और देखिए ये कितने आराम से हमारे लड्डू जो हैं बनकर तैयार हो जाएंगे और ये बिल्कुल भी फूटेंगे भी नहीं। देखिए किस तरीके से लड्डू बन गए हैं। अब मैं सारे लड्डू इसी तरीके से बना लेती हूँ। देखिए अब आप इसको 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपको टाइम लगाना है लगा सकते हैं, आपके लड्डू एकदम से तैयार हो जाएंगे बनके। अगर आपने चाशनी डालते ही लड्डू बोचने शुरू कर दिए और जल्दी करी तो आपके लड्डू बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कैसे भी आप बना लो, कितने सुंदर सुंदर लड्डू। हल्का सा पानी का हाथ लगाइए और लड्डू एकदम से देखिए, कितनी देर तक भी आप बनाइए, 5 मिनट 10 मिनट लगाइए, तभी भी ये आपका जो ये बना हुआ है लड्डू का और चाशनी का, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा आपका जो भी मटेरियल है ये। देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू जो हैं एक एक बनकर तैयार हो गए हैं। आ जाओ आप भी खा लो और देखिए कोई भी लड्डू फूटने वाला नहीं है क्योंकि बहुत ही अच्छे से मजबूत बने हैं। कई बार ऐसे होता है जब हमारी चाशनी ठीक प्रकार से नहीं बन पाती तो हमारे लड्डू जो हैं फूटने लग जाते हैं। अब देखिए आप कितने अच्छे बने हैं, एकदम सही सारे। और आज की मेरी इतनी थी वीडियो। और अगर आपको लड्डू पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसे लगे आपको लड्डू। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।